फर्स्ट टाइम कितनी थी पवन उनके पास यहाँ पर अगर हम देखें देखो पेंसिल एंड इरेजर का यहाँ पर प्रोपोर्शन गिवन है पेंसिल एट फर्स्ट अगर हम एक्स की फॉर्म में देखें इसको थोड़ी तो ये हो जाएगा पेंसिल हो जाएंगे फोर एक्स एंड इरेजर्स प्रोपोर्शन हमें गिवन है ओके सो okay, so इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इरेजर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे डाइटी सेवन एक्स ओके प्रोपोर्शन से नाउ अब क्वेश्चन में गिवन है डेट ही बायस थर्टी टू इच अब नाउ अब ये पेंसिल कितनी बाय करता है थर्टी टू प्लस करेंगे थर्टी टू ओके देन इरेजर्स भी ये सेम थर्टी टू बाय करता है नाउ इसके बाद टोटल पेंसिल्स कितनी होगी फोर एक्स प्लस थर्टी टू इरेजर्स सेवन एक्स प्लस थर्टी टू अगेन हमें प्रोपोर्शन की है टू अपॉन थ्री पेंसिल्स एंड इरेजर्स का एड होने के बाद दैट मीनस हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट फोर एक्स प्लस थर्टी टू अपॉन सेवन एक्स प्लस थर्टी टू इक्वल हो जाएगा दैट इज टू अपॉन थ्री टू अपॉन्ट थ्री डेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके नाव इसको हम इजिली सोल्व कर सकते हैं नाओ क्रॉस में डिप्लाइट कराएंगे डेट थ्री इंटू फोर एक्स कितना हो जाएगा ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी टू इंटू थ्री तो कितना हो जाएगा डेट इजल टू नाइन्टी सिक्स ओके टू इंटू सेवन एक्स फोर्टीन एक्स प्लस थर्टी टू इंटू टू सिक्सटी फोर नाव इजिली सोल्व कर लेंगे अब देखो नाइन्टी सिक्स माइनस सिक्सटी फोर डेट इज थर्टी टू एंड फोर्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स डेट इज इक्वल टू टू एक्स सो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन ओके ना एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन आ गया एंड नाम टोटल नंबर ऑफ हमारी पेंसिल्स फाइंड आउट करनी थी सो so, पेंसिल इनिशियली कितनी थी इनिशियली पेंसिल्स कितनी थी हमने प्रपोजल में देखा दैट इज़ फोर एक्स सो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली तो सिंपली फोर सिक्सटीन